शुगर फ्री मिठाई, शुगर फ्री स्वीट खाना, कौन नहीं चाहेगा इसे खाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी कुकिंग। मैं हूँ पूनम और आज हम बना रहे हैं काफ़ी सारे अंगूर को लेकर ये बहुत ही बढ़िया सी स्वीट रेसिपी हम बना रहे हैं, जो कि बहुत ही आपको जेली जेली जैसे दिखेगी, बहुत बढ़िया है। काफ़ी सारे अंगूर इसमें हम यूज़ करेंगे और पूरे अंगूर की ये मिठाई की तरह हम इसको बना रहे हैं। एकदम बढ़िया सा स्वीट है, बहुत ही लाइट है और शुगर फ्री का यूज़ करके ये मैं स्वीट बना रही हूँ। तो जो भी डायबिटिक है या जिनको शक्कर खाना बिल्कुल पसंद नहीं है और जो डाइटिंग कर रहे हैं और उनको स्वीट खाना है, तो ये एकदम बेस्ट ऑप्शन है। फ्रूट का फ्रूट, स्वीट का स्वीट, बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी है। इसको आप बनाइए, इंजॉय कीजिए। आप काफ़ी लंबे समय तक इसको स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज में, बहुत बढ़िया है। बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आने वाला है, आप देख सकते हो एकदम मस्त है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे। तो यहाँ मेरे लिए है अंगूर, तो ये आधे किलो से थोड़े से ज़्यादा ही अंगूर है। क्या करना है, अच्छे से अंगूर को हमें धोना है अच्छे से, और इसमें जो भी आपको लगे कि खराब अंगूर है उसको आप निकाल लीजिए। तो सारे साफ वाले अंगूर हमें लेना है, दो तीन बार अच्छे से आप वॉश कर लीजिए इसे। उसके बाद अंगूर वॉश करने के बाद अच्छे से साफ पानी से फिर से निकाल के मैं इसको डाल दे रही हूँ मिक्सी के जार में। इसे हमें पीसना है, बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड करना है और इसका हमें निकालना है जूस। तो सारे अंगूर जो रहेंगे आधे आधे करके मैं पीस लेती हूँ इसे, और बोल में इसको हम डालते जाएंगे। तो ऊपर से रख दिए मैंने छन्नी, मोटी वाली छन्नी, और इसको हम इस तरह से छान लेंगे। मोटी वाली छन्नी लीजिए ताकि छानना आसान हो। तो पूरा पल्प हटा देंगे और पल्प को वापस से मिक्सी के जार में डाल देंगे और बाकी अंगूर भी जो है इसमें डाल के इसको हम पीस लेते हैं वापस से। तो सारे अंगूर जो रहेंगे इस तरह से पीस कर रेडी कर लेना है, और सारा जूस मैं निकाल दे रही हूँ छान के। लास्ट में जो एक्स्ट्रा पल्प बच जाता है एकदम बहुत ही सूखा सूखा सा, उसको आप हटा दीजिए और पूरा जूस हमारा ये छन कर रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊँगी कि जूस हमें कितना लेना है। तो ये जो जूस निकला है, चलिए हम इसको मेज़र कर लेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि जूस कितना है। तो मेज़रिंग कप मैंने ले लिया है, अक्सर सबके पास मेज़रिंग कप रहता है घर पे, तो ये मैं मेज़र करके आपको बताती हूँ कि जूस हमें कितना चाहिए और अब मैंने यहाँ पे कितना बनाया है जूस। तो इसको मैं शिफ्ट करती जा रही हूँ कढ़ाई में। तो ये मैंने एक कप डाल दिया और बाकी का जूस भी देख लेते कितना बचा है हमारे पास। ये दूसरा कप बन गया, दूसरा कप भी डाल, इसमें कोई पानी वानी मैंने ऐड नहीं किया, ये प्रॉपर जूस है पूरा, आपके सामने ही मैंने जूस निकाला है। और ये तीसरा कप भी मैं डाल देती हूँ कढ़ाई में। तो टोटल जो है हमारा जूस बना है 3 कप जूस यहाँ पे बना है। एक तैयारी हम पहले से करके रख लेंगे, ग्लास ले लेते हैं इस तरह से कांच के, थोड़े छोटे से एक ग्लास आप लीजिए, और भी पतले हो तो और भी अच्छा रहेगा। इसको हम घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं। तो ग्लासेस यहाँ पे मैं रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद ना मेरे पास यहाँ पे मफिन के कुछ सिलिकॉन कप्स है, इनको ग्रीस करने की बिल्कुल हमें ज़रूरत नहीं है, बस मैं निकाल के रख रही हूँ ताकि जब हम घोल बनाएंगे तो डायरेक्ट हम इसमें डाल सकें। चलिए कढ़ाई में ये तो जूस तो डल गया है, इसमें हमें क्या डालना है। ये है आधा कप कॉर्नफ्लोर, तो 3 कप जूस के हिसाब से मैं आधा कप कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ। और इसमें मैं स्वीटनेस के लिए शुगर फ्री का यूज़ करी, तो मेरे पास जो शुगर फ्री पाउडर है वो मैंने लिया है 1/4 कप। ध्यान दीजिए, 1/4 कप मैं शुगर फ्री पाउडर का यूज़ करी। अगर आप शक्कर डाल रहे हो तो आप ना आधा कप भी डाल दोगे तो भी चलेगा, अच्छी स्वीटनेस आएगी। एक्चुअली शुगर फ्री पाउडर मैंने देखा है कि जब यूज़ करते हैं चाय वगैरह में डालते हैं, थोड़ा सा भी डालो तो बहुत अच्छी सी स्वीटनेस आती है उसमें। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो शुगर फ्री पाउडर यूज़ किया है वो कम यूज़ किया है। मुझे डायबिटीज़ बिल्कुल नहीं है, एक्चुअली मेरे हस्बैंड को डाइटिंग का है काफ़ी, तो उन्होंने शुगर फ्री पाउडर वो यूज़ करते, इसलिए मैं उनके लिए ये मिठाई बना रही हूँ ताकि वो भी अच्छे से खा सके, इसलिए मैंने शुगर फ्री पाउडर यहाँ पे यूज़ किया। चलिए अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया, गैस को भी मैंने ऑन नहीं किया था। बस मिक्स होने के बाद अब चलिए फ्लेम को कर लेते हैं ऑन, और 4 से 5 मिनट आपको इसको पकाना है। थोड़ा कलर अच्छा दिखे इसलिए मैं यहाँ पे कलर यूज़ कर रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है, बट दिखने में अच्छी लगेगी स्वीट तो खाने में भी मज़ा आएगा। तो इसलिए यहाँ पे फूड कलर थोड़ा सा ग्रीन कलर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। तो लिक्विड जेल या पाउडर जो भी आपके पास हो, आप थोड़ा सा कलर आप इसमें डाल सकते हो। तो 3 से 4 ड्रॉप्स मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है। तो अभी आप देख रहे हो कलर बहुत अच्छा है इसका, और मीडियम आंच पे आप इसको पकाइए। जैसे गाढ़ा हो जाए थोड़ा धीमी कर दीजिए आंच, और धीरे धीरे आप देखो कि फटाफट से एकदम से ना गाढ़ा होने लग गया, बस इस तरह से ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा, ये गाढ़ा हो जाएगा, उतना ही हमें पकाना है। तो लगभग 5 मिनट ये लग जाता है आराम से, और जैसे ही आपको लगे ये गाढ़ा हो चुका है इतना, बस गैस को कर देना है बंद, और इसको गरम गरम ही हम इस जो हमने ग्लासेस रेडी करके रखे हैं ना उसमें हम ये डाल देंगे। तो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, थोड़ी सी फ्लोइंग चाहिए, बहुत एकदम गाढ़ा भी नहीं चाहिए। तो ये बिल्कुल तैयार है हमारा घोल, गरम कढ़ाई में मैंने घुमा दिया और गरम गरम ही मैं इसको डाल दे रही हूँ ग्लासेस में। तो ग्लास और मफिन के जो कप्स मैंने लिए हैं उसमें मैं डाल देती हूँ इसको, और इसे हमें बढ़िया से सेट करना है। तो पहले तो हम सारा जो मिक्सचर है डाल देते हैं, और अच्छे से टैप करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो नीचे से ना एयरी सा रह जाएगा। तो टैप टैप करते हुए
सबको हमें रेडी करना है। तो ये मफ़िन के कप्स में भी मैं डाल दे रही हूँ, मफ़िन के कप्स से फुल नहीं भर रही हूँ, इसको फ्लैट ही रख रही हूँ। और ये बहुत ही बढ़िया सा घोल आप कंसिस्टेंसी इसकी देख सकते हो, खाने में भी बहुत बढ़िया है। जैसे कि मैंने कहा आप शक्कर डालो तो थोड़ी सी आप ज़्यादा डाल सकते हो, या स्वीटनेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ पर। तो चलिए सब रेडी है, ग्लास रेडी है और मफ़िन के कप्स रेडी है। सारा जितना मिक्सचर था 3 ग्लास बने और ये लगभग 5 मफ़िन के कप्स बने हैं। इनको मैं रख दे रही हूँ फ्रिज में, फिर फ्रिज में आप 3 से 4 घंटे आप इसको सेट करने की रख लीजिए। मैंने इनको एक्चुअली रात भर रख दिया था, रात में बनाया था, और फिर सुबह मैंने देखा ये बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं और इनको मैं डीमोल्ड कर लेती हूँ। तो इसको यहाँ मफ़िन के कप्स में डीमोल्ड करना तो बहुत ही आसान है। तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया सी ये स्वीट हमारी बनकर तैयार हुई है, जेली जेली बनकर तैयार हुई है, अंगूर की बहुत बढ़िया सी है, बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाली है। और इसको कैसे डेकोरेट करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ बाद में। तो चलिए ग्लास से कैसे निकालना है ये भी मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही आसान है। आप नाइफ को इस तरह से किनारी से अंदर डाल दीजिए और बस ग्लास को घुमाइए, नाइफ को नहीं घुमाना है, ग्लास को आप इस तरह से गोल गोल घुमा दीजिए, थोड़ी सी उसमें एयर आ जाएगी तो ये बहुत ही ईजीली जो है डीमोल्ड हो जाएगा। तो देखिए ये बहुत ही अब आसानी से जो है हमारे हाथ पे निकल आएगा, और सारे इसी तरह हमें निकालने। और ये देखिए कितना बढ़िया सा जेली जेली सा है, बहुत ही सॉफ्ट है, उचक रहा है, आप हिलाओगे तो इसे हिलेगा उचकेगा। तो चलिए यह हमारी जेली जो है, मिठाई जो हमारी तैयार है, सारी डिमोल्ड करके मैंने यहाँ पे रेडी कर ली है। अब ये जो ऊँचे ऊँचे हैं इनको हम फ्लैट कर लेते हैं, पतला कर लेते हैं। तो शेप आप इसको चाहे तो चौकोन ऐसे मतलब स्क्वायर में भी आप प्लस साइन में भी कट कर सकते थे, इसको मैंने इसको गोल गोल मिठाई का इस तरह से शेप दिया है। तो शेप आप पे डिपेंड करता है, छोटे बड़े पीसेस आप बना सकते हो, ग्लास भी छोटे छोटे ले लिया तो उससे भी छोटे छोटे गोल आपके बनेंगे। तो चलिए सारी कट करके रेडी कर लेते हैं, और इनको हम डेकोरेट कैसे करेंगे और भी सुंदर दिखे वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले सारे जो है कट करके रेडी कर लेते हैं, और आप देख रहे हो अंदर भी बिल्कुल मस्त बने हैं, बिल्कुल एयर इसमें नहीं है, एकदम फ्लैट प्लेन से बने हैं। तो चलिए ये हमारी मिठाई जो है यहाँ पे रेडी है। तो चलिए डेकोरेट करने के लिए नारियल का चूरा लिया है मैंने, उसमें थोड़ा सा कलर डाल दिया है, तो पिंक कलर मैंने डाला है इसमें। कलर तो टोटली ऑप्शनल है, आप प्लेन वाइट नारियल का चूरा भी ले सकते हो जो वाइट ही रहता है नॉर्मली। और इसको इस तरह से रैप करना है इसमें, तो इससे क्या है हमारी जो ये स्वीट है दिखने में बहुत मस्त लगेगी, खाने में तो वैसे ही अच्छी है, दिखने में भी अच्छी लगेगी ना। तो मेहमानों को अगर आप सर्व करती हो तो हैरान हो जाएगी, यार ये क्या है, कहाँ से लिया है। और अगर आप बताओगे कि यार मैंने बनाया, तो हैरान हो जाएंगे, उनको विश्वास नहीं होगा कि आपने ये बनाया। तो थोड़ा सा ग्रीन कलर भी मैंने नारियल के चूरे में डाल दिया था, वो भी यहाँ पे मैंने बनाकर रेडी कर लिया, थोड़ा सा पिंक, थोड़ा सा ग्रीन, और थोड़ा सा मैं वाइट ही रख रही हूँ। तो चलिए यहाँ सारी मेरी स्वीट रेडी है, कुछ ग्रीन कलर, कुछ पिंक और कुछ वाइट लिया है मैंने, और ये दिखने में कितने मस्त लग रहे हैं ना, एकदम बहुत बढ़िया सा कलर आया है, दिखने में अच्छी है, खाने में बहुत बढ़िया है। तो आप स्वीट मतलब नहीं खाते हो कि यार शक्कर है इस वजह से नहीं खाते, तो आप शुगर फ्री डाल के ये मिठाई आप रेडी करो, ये स्वीट ये जेली आप रेडी करो, तो कितनी आप देखो कितनी हेल्दी है, बच्चों बड़ों सबको पसंद आने वाली है घर में ये। आप ज़रूर उनको बना के दे जो स्वीट मतलब शक्कर नहीं खा रहे, तो उनको आप ये शुगर फ्री मिठाई, ये शुगर फ्री मस्त सी ग्रेप्स डिलाइट आप ज़रूर ये बनाइए, बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री गणेश, वाहे गुरु।